सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई एक नई बात हमें पता चली है। सुशांत सिंह राजपूत के सपनों की लिस्ट काफी लंबी थी। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के सपनों की लिस्ट काफी लंबी थी और साथ ही साथ मीडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि सुशांत के 50 सपने थे जिन्हें पूरा करना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत। अब उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले शुभचिंतक और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले। अब साथ ही साथ अब इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और उनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत के केस में पहले दिन से ही लड़ाई लड़ रही अंकिता लोखंडे। जी हाँ दोस्तों, अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत के बड़े सपनों को पूरा करते हुए दिखाई देंगी आने वाले दिनों में। क्या है वो सपना सुशांत सिंह राजपूत का और कैसे पूरा करेंगी अंकिता लोखंडे, आज के खास रिपोर्ट में हम आपको यही बात बताएंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम आपको बात बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का वो सपना क्या था। सुशांत सिंह राजपूत का ये सपना था कि वो 1000 पेड़, जी हाँ दोस्तों 1000 पेड़ पौधे लगाने वाले थे। हम आपको बात बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी डिटेल निकलकर सामने आ रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो फार्मर बनने वाले थे और इसके लिए सुशांत सिंह राजपूत ने कई सारी जमीनें भी देख कर रखी थी। सुशांत सिंह राजपूत जो है टाटा बाय बाय कहने वाले थे बॉलीवुड इंडस्ट्री को और बॉलीवुड इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कहने के बाद सुशांत सिंह राजपूत जो है पूरी तरह से एक फार्मर बनने वाले थे। ये सुशांत सिंह राजपूत का सपना था और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत का यह भी सपना था कि वो 1000 पेड़ पौधे लगाएं। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत का बड़ा सपना था। अब इस सपने को पूरा करेंगी अंकिता लोखंडे। जी हां दोस्तों, अंकिता लोखंडे अपनी मां के साथ बीती रात मुंबई के एक एग्रीकल्चर स्टोर में वो पहुंची थी और साथ ही साथ हम आपको बात बता दें कि वहां से अंकिता लोखंडे बहुत सारे पेड़ पौधे ले रही थी और वहां पर अंकिता लोखंडे अपनी मां के साथ स्पॉट की गई थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का ये जो सपना है अब अंकिता लोखंडे पूरा करेंगी। जी हाँ दोस्तों, अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत की पहली प्रेमिका अंकिता लोखंडे पूरा करते हुए दिखाई देंगी, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही साथ हम आपको बात बता दें कि अंकिता और सुशांत दोनों ब्रेकअप के बाद भी कितनी इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, कितनी मोहब्बत थी, इस बारे में तो हम कोई भी बात हम आपसे शेयर नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर बता दें कि इन दोनों के बीच में ब्रेकअप के बाद भी बहुत ही ज्यादा प्यार था और प्यार दिखता भी है, प्यार झलकता भी है अंकिता के आंखों में। जी हां, जब अंकिता अपनी मां के साथ दुकान पहुंची थी तब सुशांत के बारे में कई सारे रिपोर्टर ने अंकिता से सवाल पूछा, तब अंकिता काफी मायूस दिखी, अंकिता के चेहरे पर काफी उदासी थी। अंकिता लोखंडे तब पर भी सुशांत के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मां के साथ बाहर निकली हैं। वेल, हम आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे जो है सुशांत के जाने के बाद किसी से नहीं मिल रही थी पूरे के पूरे एक महीने तक। इसके बाद 1.5 महीने के बाद वो कुछ इंटरव्यूज देने लगी और सुशांत सिंह राजपूत के गुनहगारों का असली चेहरा दिखाने लगी सारे के सारे देशवासियों से। वेल दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस आपसे इतना ही कहना चाहते थे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, अपने कलीग्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। वेल दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक ले बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हिंदुस्तान न्यूज की रिपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और जो करना है आपको कर दीजिएगा दोस्तों। वेल दोस्तों, आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही।